एसओ ट्रांजिट कैंप ने कहा, कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस हर तरीके से आम लोगों को राहत देने का कर रही है काम। जी हाँ, बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की, जहां एसओ ट्रांजिट कैंप ने कहा, कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस हर तरीके से आम लोगों को राहत देने का काम कर रही है। जिन लोगों को खाने पीने की दिक्कत है उनको खाने पीने की राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। यही नहीं कि बीमारों को ऑक्सीजन से लेकर बैठक की व्यवस्था भी की जा रही है। आवश्यकता अनुसार अगर हमारे पास किसी का भी कोई फोन कॉल आती है तो उस पर हम तत्परता दिखाते हुए उसकी बात सुनते हैं और पूरे तौर तरीके से उसकी मदद करते हैं। इसीलिए हमने थाना ट्रांसकेम में बात सुनने के लिए 4 कर्मचारियों को नियुक्त भी किया है। कोई भी इंसान अपनी बात रख सकता है और पीड़ितकर्ता को तत्काल प्रभाव से न्याय मिल सके। उनका यह भी कहना है कि हमारी कोशिश यही रहती है कि पीड़ितकर्ता को कोई भी तुरंत न्याय ही तुरंत मिल सके और उसके साथ कोरोना को देखते हुए कोई भी इंसान उनके थाना क्षेत्र में भूखा ना सोए। इसीलिए शासन से आए हुए आदेशों का पालन कर रहे हैं। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के क्षेत्र रुद्रपुर से हमारे विशेष संवाददाता धर्मपाल सिंह की खास रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी घनी आबादी का क्षेत्र है और यहाँ से ज़्यादातर लोग जो है यहाँ श्रमिक वर्ग के लोग ज़्यादा हैं और जिनका फैक्ट्री में आना जाना लगातार लगा रहता है और गरीब तबका होने के उससे यहाँ जो है ज़रूरत की जो सामान लेने के लिए अधिकतम जो है लोग हर दूसरे दिन बाजार में निकलता है और जिसको जो है फिर भी कंट्रोल करने के लिए हमारे द्वारा जगह जगह पर पुलिस बल लगाया गया है और समय समय पर हमारे द्वारा जो है लगातार चेकिंग कर कर कोविड के नियमों के का जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान भी किए जा रहे हैं। अब तक हमारे यहाँ टोटल 2000 के आसपास जो है हम चालान कर चुके हैं और आगे भी जो चालान की कार्रवाई है ये पूरी की जा रही है। मिशन हौसला के तहत हमारे डीजी महोदय द्वारा जो मिशन हौसला चलाया गया है इसमें हमें 108 द्वारा और 112 द्वारा या कंट्रोल रूम से जो भी कॉल प्राप्त हो रही है उस कॉल को हम लोग अटेंड करते हैं। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता रहती है तो उसे तत्काल जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाया जाता है और उसके अलावा भी हम लोगों ने कई बार स्वयं वहाँ जाकर मौके पर जाकर लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया है और हॉस्पिटल पहुँचा के उन्हें एडमिट करवाया और कई बार तो उनके साथ जो है कॉन्फ्रेंस भी की गई। बहुत से मरीज ऐसे रहते हैं जो कुछ अफवाहें ये रहती हैं कि हॉस्पिटल में ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जा रही है और ऐसे लोगों को जो है उनसे कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया और अब वो सही होकर घर आए हैं। अब तक लोग कितने लोगों को आपने एडमिट करा दिया? मैं अभी तक लगभग 7 लोगों को मेरे द्वारा एडमिट कराया गया है और 6 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया गया है। जो जिन लोगों को एडमिट करवाया वो लगभग जो है स्वस्थ है। सर, अभी मरीज को एक मरीज को एडमिट करवाया था, एडमिट उसे ऑक्सीजन सेंटर भी हमारे द्वारा दिया गया था लेकिन